हेलो दोस्तों, आज मैं ESTC से हाइड्रोलिक और हाइड्रोलिक से ESTC मोड में टरबाइन का जो गवर्निंग मोड है उसको कैसे चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं, इसके बारे में वीडियो लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं कैसे ESTC से हाइड्रोलिक चेंज ओवर करूँगा, ये थोड़े प्रोसीजर को डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, टरबाइन हमारा भी ESTC मोड में है और हमें इसको हाइड्रोलिक में लाना है। अगर हाइड्रोलिक में लाने के लिए कोई भी कारण हो सकता है, ESTC में किसी भी तरह का फॉल्ट आता है या कुछ है, तो आप चाहते हैं कि भाई हम ESTC से हाइड्रोलिक में लाएँ, तो उनमें क्या क्या प्रोसेस रहेगा तो उसको जानते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट हमें देखना है, इफ़ यूनिट इज रनिंग ऑन CMC मोड, टेक द मशीन आउट ऑफ CMC, प्रेफरली बाई टेकिंग एयर मास्टर इन टू मैनुअल इन से फ्यूल मास्टर गोज टू मैनुअल की मशीन लोड कंट्रोल मोड। अगर यूनिट हमारे कोऑर्डिनेट मोड कंट्रोल में CMC मोड में चल रहा है तो मशीन को CMC से बाहर करेंगे। आप एयर मास्टर को ऑटो में मैनुअल बाहर निकाल सकते हैं या फ्यूल मास्टर को भी मैनुअल से बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं जो करता हूँ वो ये कि फ्यूल मास्टर को मैनुअल लेके तो अपने से बॉयलर मास्टर को ऑटो में रहने देता हूँ और फ्यूल मास्टर को मैनुअल ले लेता हूँ। इससे हमारा मशीन हमारा लोड कंट्रोल मोड में ही रहता है, बट हमारा फ्यूल मास्टर मैनुअल में आ जाता है और CMC से हमारा मशीन आउट हो जाता है। दूसरा, हमें इंडिकेशन जरूर देख लेना है कि CMC इंडिकेशन ESTC मिमिक में हमेशा ऑफ हो जाना चाहिए। जैसे हम फ्यूल मास्टर अगर मैनुअल लेंगे तो CMC में जो इंडिकेशन आ रहा था हमारा CMC का ऑन या ऑफ का, तो वो ऑफ इंडिकेशन हमको शो करने लगेगा। अब हमको तीसरा काम क्या करना है कि ट्रैकिंग डिवाइस जो है, जो स्टार्टिंग डिवाइस है जो ESTC के आउटपुट को फॉलो करती है, उस ट्रैकिंग डिवाइस को हमें ऑफ करना है। ये ट्रैकिंग डिवाइस एक पोजीशन को तैयार करती है कि इनकेस अगर ESTC फेल करता है तो हमारी हाइड्रोलिक टरबाइन हाइड्रोलिक मोड हमारा एक्टिव हो जाए। तो इस हाइड्रोलिक जो मोड हमारा एक्टिव होता है स्टार्टिंग डिवाइस के थ्रू होता है, तो स्टार्टिंग डिवाइस को कितना कमांड जाना है ये ट्रैकिंग डिवाइस डिसाइड करती है। ट्रैकिंग डिवाइस सेटिंग को 10 से 12% हमारा बढ़ा के रखते हैं हमारे ESTC आउटपुट से। तो हमें अब क्या करना है कि इसको ट्रैकिंग डिवाइस को ऑफ़ कर लेना है। पॉपअप खोल के उसको ऑन ऑफ रहता है, सो ऑफ को दबा दिया तो हमारा ट्रैकिंग डिवाइस ऑफ हो जाता है। 14th पॉइंट हमें क्या करना है, अगर हमारा 500 मेगावाट पे चल रहा है तो अगर हम लोड रेफरेंस को अब कैसे चेंज करेंगे ये भी इधर बता देते हैं ना। हमको क्या करना है, रेज करना है लोड रेफरेंस को 10 से 20 मेगावाट ग्रेटर देन द एक्चुअल लोड। मान लो अगर 500 मेगावाट चल रहा है तो लोड रेफरेंस में जो हमारा जो लोड रेफरेंस वाला सेट मिमिक रहता है उसको क्लिक करके हमारा 500 से 520 कर लेंगे। ठीक है, 520 मेगावाट अगर मैं कर लेते हैं तो हमारा 20 मेगावाट ज़्यादा हो गया रनिंग लोड से। अब क्या होगा, ESTC आउटपुट में स्टार्ट इंक्रीज, अगर ESTC आउटपुट 90 या 95 या 70 75 जो भी चल रहा होगा, तो अगर हम अगर 520 कर देंगे तो हमारा ESTC आउटपुट हमारा बढ़ने लगेगा। ठीक है, इट विल गोज टू मैक्सिमम, ये मैक्सिमम चला जाएगा। वाइल इंक्रीजिंग ESTC, जैसे इंक्रीजिंग जब ESTC आउटपुट बढ़ा रहे होंगे तब HP सेकेंडरी और IP सेकेंडरी ऑयल प्रेशर रिमेंस कॉन्स्टेंट, मीन्स मशीन इज ऑपरेटिंग इन हाइड्रोलिक मोड। ओके, ESTC हमारा ऐसे बढ़ता जाएगा और हमने इसको ट्रैकिंग डिवाइस ऑफ करके रखा है। ठीक है, तो अब हम जैसे ही देखेंगे तो अगर हमारा ESTC आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन HP और IP सेकेंडरी ऑयल प्रेशर जो कि HP और IP कंट्रोल वाल्व को खोलने के लिए जा रहा है, अगर HP IP सेकेंडरी ऑयल प्रेशर में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो आपको समझ जाइए कि लोड बढ़ाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आप जो फॉलो होगी वो आपका ESC को जा रहा है, बट ESC इसको फॉलो बैक नहीं दे रहा है, यानी कि हमारा मशीन हमारा हाइड्रोलिक मोड में आ चुका है। यानी अब स्टार्टिंग डिवाइस निर्धारित करेगी कि हमारे पास कितना लोड रहेगा। अब अगला पॉइंट है, पाँचवा पॉइंट हमारा ये है कि अब आफ्टर ESTC आउटपुट गेट सेचुरेटेड 100%, अब ESTC आउटपुट हमारे 100% पहुँच जाएगा तो हम ESTC के जो एक्सीलेटिंग वाल्व्स होते हैं HP और IP के गवर्निंग रैक पे जाके दोनों को क्लोज कर देना है। बताता चलूँ, ESTC और हाइड्रोलिक दोनों मिनिमम कंट्रोल गेट से आते हैं, जिसका मिनिमम ऑयल प्रेशर रहता है, मिनिमम इनपुट रहता है, तो वही आगे हमारा HP IP के ओपनिंग के लिए ऑयल भेजता है। तो इस कंडीशन में ESTC हमारा 100% चला जाएगा और मैक्स हो जाएगा, तो हमें अभी ESTC हमारे सर्किट से बाहर हो जाएगा, तो हम ESTC का जो आइसोलेशन वाल्व्स हैं HP और IP के, उन दोनों को बंद कर देंगे। ये हम गवर्निंग रैक पे जाके बंद कर सकते हैं। अब हमें लोड को घटाना है बढ़ाना है तो स्टार्टिंग डिवाइस की हेल्प से आप फ्यूल मास्टर ऑटो में रखिए और स्टार्टिंग डिवाइस को अप या डाउन करके लोड में चेंज ला सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप स्टार्टिंग डिवाइस को 100% फिक्स कर दीजिए और अपने फ्यूल मास्टर से अप डाउन कर सकते हैं। जैसे वाइड ओपन करके आप वाइड ओपन अगर आपको चलाना, अगर बोले दोनों HP IP के जो कंट्रोल वाल्व को 100% खोल के चलाना है, तो बेहतर है कि आप फ्यूल मास्टर को मैनुअल ले लीजिए और ऊपर नीचे करके
आप उसको लोड कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि आपकी थ्रॉटलिंग साथ में हो, एच पी आई पी कंट्रोल आपके गवर्न करने, तो आप फ्यूल मास्टर को ऑटो में रहने दीजिए, स्टार्टिंग डिवाइस को आप डाउन कर ले दीजिए, ठीक है। तो आप इस फ्यूल स्टार्टिंग डिवाइस से अप डाउन करके IP, IP, HP, HP के जो कंट्रोल वाल्स हैं उनको भी थ्रॉटल कर सकते हैं। तो लोड हमारा दोनों कंडीशन में वेरी करेगा, बट फर्क ये रहेगा, एक वाइड ओपन रहेगा, एक वाइड ओपन नहीं रहेगा। ओके, ये हमारा होगा HTC से हाइड्रोलिक लाने के लिए। अब मान लो कभी मशीन हमारी हाइड्रोलिक से HTC लानी है, मान लो काम कुछ हो चुका है, नॉर्मल करना है, तो हाइड्रोलिक से HTC कैसे लाएंगे, इसका भी प्रोसीजर अब देख लेते हैं। पहले हाइड्रोलिक से HTC लाने का प्रोसीजर ये है कि पहला कि इंश्योर लोड कंट्रोलर हमारा ऑन होना चाहिए, स्पीड सेट पॉइंट हमेशा एक्चुअल स्पीड से +15 RPM को ट्रैक करते रहिए। ये बहुत प्रीरिक्विजिट है, इसके बारे में हमको बहुत ध्यान से देखना है कि हमारा स्पीड कंट्रोलर है तो हमारा 15 RPM जो अपना एक्चुअल स्पीड से प्लस चल रहा है, ट्रैक कर रहा है। तो ये पहला दिखना है। दूसरा पर लोडर कंट्रोल एक्टिव है ही। थर्ड, हमें अब क्या करना है, लोड रेफरेंस जैसे हमने वहाँ पे घटाया था, लोड रेफरेंस बढ़ाया था, तो उतना ही फिर हमें मैनुअल लोड रेफरेंस को थोड़ा फिर बढ़ाना है। तो बियॉन्ड एक्चुअल लोड से मेरा 500 MW है तो 520 कर दिया, तो हमारा लोड रेफरेंस हमारा बढ़ गया। अब PR max हमें साथ में देखना है, PR max की वैल्यू जो भी कंट्रोल जो हमने सेट पॉइंट दिया और जो हमारा लोड चल रहा है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 500 चल रहे तो 535 कर दीजिए, PR max हमारा हमें लिमिट नहीं करेगा प्रेशर में। अब हमारा जो थ्रॉटल प्रेशर है, थ्रॉटल पर जो जोनिक प्रेशर जो चल रहा है और हमने जो सेट पॉइंट दिया है, ठीक है, थोड़ा सेट प्रेशर सेट पॉइंट टू एक्चुअल प्रेशर से मैच कराइए। अगर 160 है तो 160 मैच कराइए, 165 तो 165 मैच कराइए, दोनों के प्रेशर में डिफरेंस बराबर होना चाहिए। अब क्या करना है, लोड कंट्रोल आउटपुट एंड ESC आउटपुट गोज अप टू 100%। जैसे आप मैच कराएंगे तो हम लोड और मैनुअल लोड डिफरेंस आपने बढ़ा के रखा ही है, तो लोड कंट्रोल आउटपुट जो हमारा 100 जाएगा, ESC आउटपुट इसकी फॉलो करते हुए 100% चला जाएगा। जैसे ही हमारा ESC और ECC 100% पहुँच जाएगा तो हमें नॉर्मलाइज करने HTC का स्टेटिंग वाल गवर्निंग है, क्योंकि अब 100% पहुँच जाएगा तो हमारा HTC सर्किट से बाहर है, ठीक है। तो अब 100% जब पहुँच गया तो HTC का स्टेटिंग वाल को नॉर्मल कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोड रेफरेंस जैसे जैसे पहले लोड रेफरेंस था उसको नॉर्मल जो 500 MW था, तो अगर मान लो 30 MW कम या 25 MW डाउन करिए, 475 MW कर देते, मतलब लोड रेफरेंस को डाउन करिए, ठीक है, एक्चुअल लोड से। अब अगर लोड कंट्रोल आउटपुट जो उसका लोड कंट्रोल आउटपुट हमारा घटने लगा या HTC आउटपुट घटने लगा, तो आप समझ जाइए कि आपकी मशीन HTC में आ गई है, ठीक है। अब स्टार्टिंग डिवाइस को बढ़ा के 100% ले जाइए, उसको ट्रैकिंग में डाल दीजिए, ठीक है। तो ऐसे हमारा हाइड्रोलिक से ESTC और ESTC से हाइड्रोलिक में आ सकता है। तो ये एक टर्बाइन का गवर्निंग मोड था, कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। किसी तरह का डोई डाउट हो या कुछ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कभी फर्दर वीडियो में आपको ये सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।